स्टूडेंट गुरुकर्ण। आज मैं बाल आठवां का हिंदी पार्ट थ्री कविता है। कविता का नाम है कलवीर का कविता और उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। कल मैं इस कविता के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज मैं बाल आठवां कविता पढ़ रही हूँ, उसे आप लोग अपने किताब में ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं उसका अर्थ बोल कर दूंगी। कविता है देख कर बाधा बिध बहू बिध घबराते नहीं, देख कर बाधा बिध बहू बिध घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के सुख पछताते नहीं, रह भरोसे भाग के सुख पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उठाते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उठाते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो बिध बिखराते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो दिल दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। यह कविता का पहला पंक्ति है। इसको कविता को किताब से आप लोग देख लीजिएगा, इसके अर्थ मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, अर्थ बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से अपने कॉपी में इसको लिखिए। कविता का अर्थ है, कवि गंभीर की विशेषता बताते हुए कहता है, कवि गंभीर की विशेषता बताते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ना तो विचलित होते हैं और ना ही भाग के भरोसे रहकर दुखी होना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ना तो विचलित होते हैं और ना ही भाग के भरोसे रहकर दुखी होना चाहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी वे सहज बने रहते हैं, विषम परिस्थितियों में भी वे सहज बने रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सच्चे कर्मी हर क्षण अपने कर्म पथ पर आरूढ़ होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सच्चे कर्मी हर क्षण अपने कर्म पथ पर आरूढ़ होते हैं। अतः जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति सफल होते हैं। अतः जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति सफल होते हैं। इसके बाद मैं दूसरा पक्ष कविता उसका बताऊंगी। अब मैं दूसरे पंक्ति कविता पढ़ रही हूँ, उसका बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग उसे लिख लीजिएगा। पहले कविता आपको किताब में देखिए, मैं कविता पढ़ रही हूँ। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, सोचते करते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इसके इस पंक्ति का मैं अर्थ बोर्ड पर इस तरह इसे आप अपने पंक्ति में लिखिए, अर्थ बता रही हूँ। अर्थ है, कवि का कहना है कि सच्चे कर्मी किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ते, कवि का कहना है कि सच्चे कर्मी किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे करके ही दम लेते हैं, बल्कि उसे करके ही दम लेते हैं। वे हर व्यक्ति की बात सुन लेते हैं, वे हर व्यक्ति की बात सुन लेते हैं, लेकिन अपने मन के अनुकूल ही करते हैं, लेकिन अपने मन के अनुकूल ही करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो गंभीर होते हैं, तात्पर्य यह है कि जो गंभीर होते हैं वे ना तो किसी के सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, गंभीर हुए होते हैं तो
वे ना तो किसी की सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और ना ही उस पर ध्यान देते हैं इसलिए ऐसे कर्मवीर के लिए कोई काम कठिन नहीं होता उनके लिए हर काम आसानी होता है यह दूसरी पंक्ति कविता का अर्थ है। इसे आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कीजिएगा और इसके मैं स्कूल खोलने पर इसकी जांच करूंगी। आज तक के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। हो गया।